दो ट्रैक्टर, एक बाइक व साथ ही एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया और बाकी के लोग भाग निकले, जिसके बाद का वीडियो अब वायरल हो रहा है। छतरपुर के गंज हाईवे के बताए जा रहे वीडियो घटना के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी छतरपुर विनोद कुमार अवस्थी ने बताया कि अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर गंगवा बीट अंतर्गत हमारे वन कर्मी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर वन कर्मियों ने दो ट्रैक्टर व एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन रेत माफियाओं ने रास्ते में आकर कट्टे की नोक पर ट्रैक्टर छुड़ा लिया, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया जाए। 50 साहब ने कितनी जल्दी छोड़ दो ट्रैक्टर। आज सुबह मुझे 5 बजे जानकारी मिली कि बीट गंगवाहा में कुछ ट्रैक्टर अवैध उत्खनन करने के लिए गांव के लोगों को लेके गए हुए हैं। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने तत्काल स्टाफ को खबर दी और आर्डर किया कि आप लोग सब लोग गंगवाहा पहुँचें, मैं भी आ रहा हूँ। ये लोग जब गंगवाहा गए तो वहाँ पर दो ट्रैक्टर में अवैध मिट्टी का उत्खनन कर, जिससे वो मिट्टी से बालू बनाते हैं, उनको लोड करके लाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही मेरा स्टाफ पहुंचा, वैसे ही उनको देख के कुछ लोग भाग गए। उसमें एक आरोपी पकड़ा गया, एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई और दो ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त किए। जब दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया और हमारे कर्मचारी उनको लेके आ रहे थे, और घटना स्थल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके थे, उस समय गंज में 2-3 लोग 4-व्हीलर से आए और उन्होंने गाड़ी के सामने, ट्रैक्टरों के सामने दोनों गाड़ियाँ लगा दी, और एक धीरेन शुक्ला बीरेन शुक्ला करके हैं, इन्होंने हमारे कर्मचारियों को कट्टा लगाया जो गाड़ी चला रहा था, उससे वो गाड़ी छुड़ाकर बालू मेन रोड में अनलोड करके लेके चले गए। कौन सी कार्रवाई क्या करेंगे इसमें? आगे की कार्रवाई हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध कर चुके हैं, गाड़ियों को जब्त करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट करेंगे, TI साहब को बताएंगे, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कौन सा वो लोग? उसमें धीरेन शुक्ला वीरेन शुक्ला ने कट्टा उड़ाया था, और ऐसी जानकारी लग रही है, लेकिन अब कन्फर्म हमारी जब पूरी जांच हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। किस जानकारी कौन पर लग रहा था? जब हम बयान ले लेंगे और बयान लेने के बाद उस निष्कर्ष पे निकलेंगे और हमारे पास जो गवाह आएंगे उस आधार पे मैं बता पाऊंगा, अभी इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा। क्या मुकदमा आप दर्ज कराने का प्रयास? मैं अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और शासकीय संपत्ति को लूट का मामला पुलिस में दर्ज करवाएंगे, क्योंकि IPC के धारा के तहत प्रकरण दर्ज होगा, और जो अवैध उत्खनन का है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थाना क्षेत्र का मामला है। ये बमीठा थाना क्षेत्र का मामला है। आपके वरिष्ठ अधिकारी इसमें सहयोग कर रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचित किया है, मुख्य वन संरक्षक महोदय को सूचित किया है, DFO साहब को भी सूचित किया है, उनको हमने नाम भी लिखवाया, उन्होंने SP साहब से साथ चर्चा की होगी। अब चूंकि अभी मैं प्रकरण में लगा हुआ हूं तो पूरा विस्तृत अभी नहीं बता पाऊंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।